So, hello students, this is our 7th lecture of chapter number 8 motion. So, last week हमारे lectures नहीं हुए थे, so obviously आप लोग ये chapter से थोड़ा दूर हो गए होंगे. So, अगर आपने पूरे ये last week में या ये week में आपने ये chapter कुछ भी नहीं देखा है, आपको कुछ याद नहीं है, so it is my request कि पहले इस चैप्टर के थोड़े थोड़े से पार्ट आप रिवाइज कर ले. कौन से पार्ट को रिवाइज करने की ज़रूरत है आपको, तो ये ग्राफ आपको देखने की ज़रूरत है ना, कि जैसे कि हमने इसमें देखा था कि कौन से ग्राफ में आपको क्या फाइंड करना है. मतलब कि जैसे कि ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो आप एरिया फाइंड कर सकते हो. कौन से ग्राफ में आप स्लोप फाइंड कर सकते हो, है ना. तो मेरे जो प्रीवियस वाला लेक्चर था उसको एक बार आप अच्छे से देख लेना कि कब हमें स्लोप फाइंड करना है, कब हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है. क्योंकि उस ये अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही आपको ये लेक्चर में कुछ सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है. चलो तो स्टार्ट करते हैं. तो ये चैप्टर, ये लेक्चर में हम मेनली क्या देखने वाले हैं. सो देयर आर थ्री very important formula for uniform accelerated motion. Uniform accelerated motion के तीन बहुत ही important formula है, और वो तीन important formula ये है. आपको ये formula याद रखने हैं homework सबसे पहले. तो ये सारे के सारे तीनों के तीन formula आपको 5-5 times लिखने हैं, ठीक है. अब ये formula क्या है, तो कि v is equal to u plus at, जिसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोलते हैं. s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर, जिसको पोजीशन टाइम रिलेशन भी बोलते हैं. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसको पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन भी बोलते हैं. अब ये तीनों फॉर्मूला में हर एक टर्म क्या है, तो v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है, s जो है पोजीशन है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड है, कुछ भी बोल सकते हैं s को, है ना. तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया और इसको डिराइव कैसे करना है, तो ये हर एक रिलेशन को फाइंड करने की एक पर्टिकुलर मेथड है, ठीक है. तो हम आज ये लेक्चर में तीन में से पहले दो रिलेशन को फाइंड करने के लिए क्या मेथड यूज होती है वो हम देखेंगे. तीन में से एक कंफर्म एग्जाम में आएगा, आएगा और आएगा ही, ठीक है. तो तीन में से कोई भी मेथड पूछे, अगर आपको एग्जाम में ऐसा बोले कि derive the velocity time relation, derive position time relation, derive position velocity relation, तीन में से कोई भी relation पूछे, एक चीज तो common है जो आपको तीनों में लिखनी है, वो क्या है, तो ये diagram और ये जो मैंने लिखा है इतना portion, diagram और इतना portion, याद रखो कि ये तो आपको हर एक में लिखना ही लिखना है. textbook में आपको इतना समझ में नहीं आएगा, मैं जो आपको बता रहा हूँ उसी को अच्छे से पढ़ लो, है ना, उसी को समझ लो, उसी को अगर आप लिखोगे तो भी आपको फुल्ली मार्क्स मिलेंगे. अब क्या है ये ग्राफ और क्या है ये लिखा हुआ, ये मैं आपको समझाता हूँ. सो हमारा जो ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का है. एज वी कैन सी अवर ग्राफ इज ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम. तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है. पॉइंट ए इज डिनोटिंग अवर इनिशियल वेलोसिटी यू, जो अभी जीरो नहीं है. अगर जीरो होता तो यहाँ से स्टार्ट होता. मतलब हम ऐसे केस को स्टडी कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी यू, जो कि पॉइंट ए पे है. नाउ जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे हमारा ग्राफ यहाँ पे जा रहा है पॉइंट बी पे, ठीक है. अब पॉइंट बी को अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी वी है ना. तो ये हमारा पॉइंट बी जो है टाइम के साथ, देखो ये टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है हमारा ग्राफ ऐसे ऐसे इंक्रीज हो रहा है, और फाइनल हमको मिल गया फाइनल वेलोसिटी वी, ठीक है. अब देखो ये हर एक ग्राफ के हर एक पॉइंट को, हर एक लाइन को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉइंट ए इज इनिशियल वेलोसिटी यू एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो. तो पॉइंट ए हमारा इनिशियल वेलोसिटी है और तब हमारा टाइम है जीरो, ठीक है. एट पॉइंट बी, पॉइंट बी इज अ फाइनल वेलोसिटी, पॉइंट बी हमारी फाइनल वेलोसिटी है वी, और तब हमारा टाइम है टी. ये देखो बी के लिए हमारा टाइम है टी. अब देखो ओ ए या फिर ये डी सी, देखिए दोनों लाइन
ओ ए और डी सी दोनों सेम है, तो ओ ए और डी सी इज रिप्रेजेंटेड एज इनिशियल वेलोसिटी, तो ये पूरी लाइन जो है ओ ए वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। ओ ए को भी इनिशियल वेलोसिटी बोल सकते हैं और डी सी को भी हम इनिशियल वेलोसिटी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो अब ये पूरी लाइन ओ ई, देखिए ये पूरी लाइन ओ ई या फिर सी बी दोनों पैरेलल है, दोनों सेम है, ठीक है। तो ओ ई और ये जो लाइन है बी सी, ये पूरी लाइन है ना, तो ये ओ ई बोलो या पूरी लाइन बी सी बोलो, इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ फाइनल वेलोसिटी वी। फिर ये ए डी बोलो या फिर ये ओ सी बोलो, ए डी और ओ सी इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ टोटल टाइम टी, ये पूरा टाइम है, तो ये वाली लाइन बोलो या ये वाली लाइन बोलो, दोनों सेम है, ठीक है। नाउ इतना वाला पोर्शन ए ई या फिर बोलो तो बी डी, तो ए ई और बी डी इज रिप्रेजेंटेड एज अ चेंज इन वेलोसिटी। तो क्या होता है ये ए ई, तो ए ई को अगर देखने जाओ तो ए ई लाइन हम ऐसा बोल सकते हैं, ए ई क्या है, तो ओ ई लाइन में से हम ये ए ओ लाइन माइनस कर दें, ये पूरी बड़ी वाली लाइन जो है उसमें से ये छोटी वाली लाइन माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा क्या, ये ए ई। तो ये हमारा उसका फॉर्मूला हो गया कि ए ई इज नथिंग बट ओ ई में से हम ए ओ को माइनस कर देते, ये रहा। सेम लाइन हम ये पैरेलल चीज के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि भाई ये बी डी पोर्शन क्या है, तो बी सी में से ये डी सी माइनस कर दोगे तो ये हमें बी डी मिलेगा, वही हमने यहाँ पे लिखा है, तो दोनों चीजें सेम है, ठीक है। तो ये ग्राफ और ये यहाँ तक का पोर्शन ये तो हमें तीनों के तीन में लिखना है, ठीक है। अब पहले केस की बात करें वेलोसिटी टाइम रिलेशन, तो पहले ये वाला कंसेप्ट लिख देना है, ठीक है। फिर क्या लिखना है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में अगर हम स्लोप फाइंड करेंगे तो वो हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा, जो हमें प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है, आप रिवीजन करोगे तो आपको याद भी आ जाएगा, रिकॉल भी हो जाएगा माइंड में से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो वी नो दैट इन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ स्लोप इज एक्सेलरेशन, तो हमारा स्लोप क्या है, ए बी, तो स्लोप ए बी और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बी डी बाय ए डी, ठीक है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि स्लोप ए बी क्या है, बी डी बाय ए डी, तो बी डी बाय ए डी ये हमारा हो जाएगा स्लोप या फिर एक्सेलरेशन। अब बी डी क्या है, तो बी डी तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है कि बी सी माइनस डी सी है, तो बी डी की जगह लिखा बी सी माइनस डी सी। और ए डी क्या है, तो कि ए डी यहाँ पे, ए डी इज अ टाइम, तो यहाँ पे ए डी की जगह लिख दिया टाइम, ठीक है। अब बी सी क्या है, ये बी सी, तो बी सी हमने यहाँ पे लिखा है बी सी इज रिप्रेजेंटेड बाई वी, तो बी सी की जगह लिख दिया बी वी। और डी सी क्या है, तो डी सी हमारा है यहाँ पे है डी सी इज रिप्रेजेंटेड बाई इनिशियल वेलोसिटी यू, तो यहाँ पे इनकी भी वैल्यू डाल दी। तो फॉर्मूला क्या, बिना ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ठीक है। अब टी को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, उसमें से वी को सब्जेक्ट बनाओ, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये मतलब हो गया हमारा आंसर, ये पहला वाला फॉर्मूला वेलोसिटी वर्सेस टाइम रिलेशन, ठीक है। चलो इट्स वेरी सिंपल, आपको बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ग्राफ को थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा, बाकी सब इजी है। सेम अब हम डिराइव करेंगे पोजीशन वर्सेस टाइम रिलेशन, तो पोजीशन वर्सेस टाइम रिलेशन, तो इफ वी नो दैट कि इन वी वर्सेस टाइम ग्राफ इफ वी नीड टू फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड देन वी हैव टू फाइंड द टोटल एरिया अंडर द ग्राफ। मतलब यही ग्राफ में वेलोसिटी वर्सेस टाइम वाले ग्राफ में अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ग्राफ में कितना एरिया कवर हो रहा है वो एरिया फाइंड करेंगे। तो इन ग्राफ टोटल एरिया कवर्ड इज, टोटल एरिया कवर्ड मतलब कि डिस्टेंस है ना, तो टोटल कितना एरिया कवर हो रहा है। तो देखो हमारे ग्राफ में दो शेप बनते हैं, एक बन रहा है ये ट्रायंगल और एक बन रहा है ये रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि टोटल एरिया मतलब ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी,
ये रहा हमारा ट्रायंगल ए बी डी, एक इसका एरिया प्लस ये हमारा स्क्वायर जो हो गया ए डी ओ सी प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर ए डी ओ सी, ये रहा ए डी ओ सी। तो ये जो हमारा ग्राफ है इतना, ये वाला ग्राफ यहाँ से, ये ग्राफ के बिलो ये ट्रायंगल बनता है और एक स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी हो वो बन रहा है। सो टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ओ सी। ठीक है, याद रखो कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में अगर हम स्लोप फाइंड करते हैं, यहाँ पे लिखा है कि स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है बट एरिया हमें टोटल डिस्टेंस देता है। तो टोटल डिस्टेंस मतलब हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ हमारा रेक्टेंगल। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, तो 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड मतलब ए डी इंटू बी डी, तो यहाँ पे मैं लिख दिया ए डी इंटू बी डी, प्लस ये हमारा स्क्वायर का एरिया एल इंटू बी, तो क्या होता है ओ ए इंटू ओ सी। ठीक है, ये एल इंटू बी, तो ये हमने लिख दिया ओ ए इंटू ओ सी। सो एस इज इक्वल टू 1/2। अभी ए डी और बी डी क्या है? तो कि ए डी यहाँ पे लिखा है हमने, तो ए डी की जो वैल्यू थी ये ए डी और बी डी, तो देखो ए डी क्या है, ए डी इज रिप्रेजेंटेड टाइम टी, तो ए डी की जगह टी टी लिख देंगे। और बी डी क्या है? तो बी डी है हमारा बी सी माइनस डी सी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, चलो तो ए डी हमारा हो गया टी और बी डी, बी डी की वैल्यू जो थी वो ये रही बी डी, है ना, बी सी माइनस डी सी। उसमें भी मैंने बी सी और डी सी की वैल्यू डायरेक्ट रख दी कि बी सी क्या है, तो बी सी ये हमारा यही है वी, और डी सी क्या है, तो डी सी हमारा यू, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे वी माइनस यू। प्लस ओ ए इंटू ओ सी जो हमारा स्क्वायर का एरिया है, ओ ए क्या है यू लिखा हुआ है यहाँ पे, ओ ए है हमारा यू, और दूसरा क्या था ओ सी, तो ओ सी क्या है हमारा टाइम टी, तो वो हमने लिख दिया। अब वी माइनस यू क्या है? तो ये देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है कि ये हमारा यू टी, ये मैंने पहले लिख दिया, प्लस ये 1/2 इंटू वी माइनस यू इंटू टी। ठीक है, अब हमें पता है कि बट फ्रॉम द इक्वेशन प्रीवियसली हमने डिफाइन किया था वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो उसमें से यू को हम लेफ्ट साइड में ले लेंगे, तो वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो हमें वी माइनस यू की वैल्यू मिल गई। वो वी माइनस यू की वैल्यू हम यहाँ से डालेंगे हमारे मेन इक्वेशन में, तो v माइनस यू की जगह ए टी डालो तो क्या बना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2, v माइनस यू की जगह हम डालेंगे ए टी, और ये हमारा t पहले से था, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ये ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला आ गया। मैंने पहले ही बताया था कि आपको अगर ये रिलेशन फाइंड कर रहे हो या ये रिलेशन फाइंड कर रहे हो, आपको ये तो लिखना ही है तीनों में, है ना। तो ये जो थियरी है उसमें आपको एडिशनली ये वाला कंसेप्ट तो लिख ही देना है, समझ में आया, है ना। तो देखो अगर आपको ये यहाँ ऑनलाइन लेक्चर्स में नहीं समझ में आ रहे ये दोनों के दोनों, तो आप टेंशन मत लो, आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद रख लो अभी के लिए। अगर समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो जब हमारे रेगुलर क्लास स्टार्ट होंगे उसमें बहुत डिटेल में अच्छे से लाइव पढ़ा के मैं आपको बताऊंगा, फिर से ये कराऊंगा, है ना, क्योंकि ये कंसेप्ट ऐसा है कि 2-3 बार मैं रिवाइज कराऊंगा तो ही ये आपसे होगा, है ना। तो अभी मैक्सिमम ट्राई करो कि आप सॉल्व कर पाओ। आपको बस क्या करना है कि ये तीनों फॉर्मूला 5-5 बार लिखना है और दोनों थियोरीज एक एक बार लिखनी है। दोनों में आपको ये ग्राफ और ये पॉइंट्स तो लिखने ही है, ये तो आपको तीनों थियोरी में एक एक बार तो लिखना ही है, फिर ये करना है। जैसे कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का मेन पोर्शन ये है, बट उसके पहले आपको ये तो लिखना ही पड़ेगा। दूसरे वाले पोजीशन वर्सेस टाइम का ये कंसेप्ट मेन तो ये है, पर उसके पहले भी आपको ये तो लिखना ही है। तो पहले ये लिखोगे पोजीशन वर्सेस टाइम रिलेशन, फिर ये ग्राफ, फिर ये लिखना है, फिर आपको ये करना है। ठीक है, तो ये लेक्चर में अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप में लिखते नहीं बनता हो तो आप साइंड साउंड रिकॉर्डर करके भी, आप मैसेज को रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हो, मैं आपके सारे आंसर दे दूंगा, डोंट वरी। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम क्लास में फिर से रिवाइज करेंगे, बट अभी मैक्सिमम ट्राई करो कि आप उसको रिवाइज कर सको।